नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज मैं अदवाड़ी जूनियर हाई स्कूल में हूँ, जो नैनाडा ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में आता है। और कुछ दिन पहले आपने एक लड़की जिसका नाम बिपाशा है, उसको काफ़ी सुना होगा इंटरनेट पर। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उनकी वीडियो शेयर करी थी, काफ़ी वायरल वो हुई थी। आज हम इस स्कूल में आए हैं और यहाँ पर वो पढ़ाई करती है। हम जानेंगे कैसा उनका जीवन बीत रहा है और क्या फ़ायदा उनको, जितनी उनकी वीडियोज वायरल हुई उसके बाद उनको क्या क्या फ़ायदा मिला। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ बिपाशा। बिपाशा, पूरा नाम क्या है बेटा आपका? बिपाशा बचवान। गांव कौन सा आपका? लूठिया मल्ला है। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो अभी? सर, 8th में पढ़ रहे हैं। 8th में पढ़ रहे हो। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो आई थी, हमने भी देखी, सबने देखी, पूरे उत्तराखंड के लोग, देश के कई लोगों ने देखी थी। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने आपकी वीडियो देखी थी। कैसा लगा जो है, इतना प्यार, इतना सम्मान आपको मिला, कैसा लगा था आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। जिस तरीके से आपको लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, उसके बाद कई बातें हुई कि बिपाशा को एक अच्छा सिंगर बनेगी उत्तराखंड की, जो है कुछ गाने गाने का मौका मिला भी आपको जो है? सर, गाने गाने का मौका तो अभी स्टूडियो से मिला है। स्टूडियो से मिला है। कितने गाने गा लिए अभी आपने? मैंने गा लिए होंगे 5-6 गाने। 5-6 गाने गा लिए होंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ से जब आप गांव से आते हो, अकेले आते हो गांव से, और भी बच्चे आपके साथ आते हैं? और बच्चे भी आते हैं। और बच्चे भी आते हैं। और स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं टीचर लोग? सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली है सिंगिंग की, मुझे सिंगर बनना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मेरे बचपन से शौक था गाने गाने का। फिर उसके बाद मैं स्कूल में हिंदी और भोजपुरी गाने गाती थी। फिर उसके बाद गुरु जी लोगों ने कहा कि गढ़वाली पे ज्यादा जोर देना चाहिए, इसलिए मैंने गढ़वाली गाने गाने शुरू किए। हिंदी और भोजपुरी आप कह रहे हो कि मैंने गाना शुरू किया था, अच्छी बात है। मतलब देखिए, गाना कोई भाषा कोई भी हो, हमें अपनी प्राथमिक भाषा और जो हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा, उसको भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और उत्तराखंड की जो भाषा है निश्चित तौर पे उसके भी हमें आगे बढ़ानी चाहिए। हम चाहेंगे कि हम पहले राष्ट्र की बात करें। मैं आपके मुँह से दो प्यारे शब्द, एक गीत के हिंदी गीत, क्योंकि आपने जब बात बोली कि मैं हिंदी गीतों की गाती थी, दो लाइन कोई आप गीत हिंदी जो आपका अच्छा लगा, जिसको आप गुनगुनाते हो, जिसको आप दर्शकों तक सुनाना चाहते हो, कोई दो लाइन किसी भी गीत की हिंदी की। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम भी तुमसे दिल से प्यार करते हैं, सनम हम भी तुमसे दिल से प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो दिल में बस। कोई नहीं। एक नया गीत आपने बिपाशा के मुंह से सुना और ज़्यादातर लोगों ने उत्तराखंडी गीत उसको गाते हुए सुना, और उसने आज एक नई बात बताई कि हिंदी और भोजपुरी गीत भी वो गाती थी। और मैं हिंदी गीतों के बाद ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि गढ़वाली गीत तो हमने सुने ही सुने हैं और सुनेंगे अभी जो है। बिपाशा, भोजपुरी गीत क्या, कैसे, मतलब भोजपुरी, हिंदी का तो समझ में आता है, फिल्मों में हम देखते हैं, रेडियो में बजते हैं, यूट्यूब में बजते हैं, भोजपुरी गीतों का शौक, मतलब ये कहाँ से आया जो है? मैं टीवी में भी देखते देखते जैसे भोजपुरी एपिसोड आते थे तो मैं उनमें से देख लेती थी, उन्हीं में से देख लेती थी। क्या गीत, कैसे, किस टाइप के गीत आप उसमें ज्यादातर गाती थी जो है भोजपुरी के, जो है गीत सब तरीके के। तो चलिए, भोजपुरी जो दर्शक अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोई, तो मैं चाहूंगा बिपाशा के मुँह से भोजपुरी गीत भी सुने, क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा और यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती है, और हम चाहते हैं हर भाषा का जो है मान सम्मान और रिस्पेक्ट। और अगर हमारी बहन को भोजपुरी गीत भी आते हैं, भोजपुरी भाषा में भी अगर वो गीत गा सकती है, तो ये तो वाकई में हमारे लिए एक गर्व की बात है। हमारी बहन जो है मल्टी टैलेंटेड है। एक भोजपुरी गीत भी आप ज़रूर सुना दीजिए। छूट जाए जग सब रब भले रूठे, जन्म जन्म के प्रीत न टूटे, दुगो दिलवा में धड़के गे धड़कन, बंधन बंधन प्यार के बंधन।
बंधन हो बंधन बंधन प्यार के बंधन 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 जन्म जन्म के बंधन। आप घर में जाते हो, माँ बाप से किस तरीके का सपोर्ट आपको मिलता है? जो है कि बोलते हैं कि गाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ है, सपोर्ट हाँ मिलता है? बोलते हैं माता पिता दोनों बोलते हैं कि गाना चाहिए, जो हुनर है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, पर साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, बहुत बढ़िया। जैसे कहीं बुलाते हैं कार्यक्रमों में आपको, तो कैसे मैनेज करते हो? खर्चा पानी देते हैं कार्यक्रम वाले? देते हैं, चलो बढ़िया है। तो एक छोटी सी भुल्ली हमारी, बहुत अच्छा उसका हुनर है और हम चाहेंगे कि इनको बहुत आगे तक इनको ले जाया जाए। और बिल्कुल साधारण से परिवार से आती हैं, पिताजी शायद क्या करते हैं आपके पिताजी? सब पिताजी टेलरिंग काम, टेलरिंग का दर्जी है, टेलरिंग का काम करते हैं। और बेचारी कितनी नर्वस है कि बोल भी नहीं पा रही, आवाज़ बाहर से नहीं आ पा रही। तो घर में भी ऐसी बोलते हो प्यारे स्लो में या घर में तेज बोलते हो? तेज बोलते हो। तो आपके बड़े भाई आए, कोई बाहर से कोई ऐसा कोई नहीं आया जो है, सब आपके भाई हैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल अपने भाइयों से बात कर रहे हो, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है ना? तो चलिए एक गीत हम उत्तराखंड का, जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक गीत हैं, मैं चाहूँगा पिपासा आप ऐसा गीत हमें सुनाएं जिसमें उत्तराखंड का दर्द छिपा हो, एक माँ का दर्द छिपा हो, एक लड़की का दर्द छिपा हो, पहाड़ के जो लोग हैं उनका दर्द छिपा हो। एक ऐसा कोई गीत जो आपको लगता है जब आप पहाड़ों में रहते हो तो ये चीज़ होनी चाहिए, गुनगुनाते हुए पहाड़ का दर्द आता हो। कि कुतिन से तो लो मेरी माजी बिरणा घारा को, मेरी माजी बिरणा घारा को, कि कुतिन से तो लो मेरी माजी बिरणा घारा को, मेरी माजी बिरणा घारा को, झगुली टोपली तिन भले भले बणेन, बचपन लाड प्यार तिन मिते कि दे, झगुली टोपली तिन भले भले बणेन, बचपन लाड प्यार तिन मिते कि दे, के कुतु बिसरी गे मेरी माजी बिरणा घारा को, मेरी माजी बिरणा घारा को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये थी बिपासा बछवान जी जो नैनाड़ा ब्लॉक से आती हैं और अभी आठवीं क्लास में पढ़ रहे हो आप? आठवीं क्लास में पढ़ रही है और इतना मिठास है इसकी आवाज़ में, वाकई में मैं कहूँगा चीनी भी आपको फीकी लगेगी इसकी मिठास के आगे, जो है जिस तरीके की इसकी आवाज़ बिल्कुल दिल को लग जाती है। तो मैं चाहूँगा हमारे जो देश के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाइए और हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि जो पैसे से सक्षम बच्चे होते हैं उनको बड़े बड़े सिंगिंग क्लासेस में आसानी से अच्छा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल गांव में रहते हैं, पहाड़ के टेढ़े मेढ़े बाटों में चलते हैं, इनको नहीं पता कि इनका आगे भविष्य क्या होगा, लेकिन इनकी जो कला है वो सामने दिखती है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी को करना चाहिए। तो आज मैं था अद्वाड़ी में, देखते रह गया मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।